खबर मसूरी से है। रविवार रात से मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग बंद पड़ा हुआ है। भारी भूस्खलन के चलते मसूरी दून मार्ग पर मलबा आ गया और मार्ग बंद होने की वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। वहीं मार्ग खुलने में अभी भी करीब 4 घंटे का समय लग सकता है। तो भूस्खलन हुआ, रविवार रात से बंद है मसूरी देहरादून का मुख्य मार्ग। हर तरफ दरअसल कहा जा रहा है कि जाम की स्थिति बनी हुई है, दोनों तरफों से जाम लगा हुआ है। और आशीष भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, कितना लंबा जाम और अभी कितना और वक्त वहां पर लग सकता है, कितना मलबा आकर मुख्य मार्ग पर गिरा हुआ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात से ही जो है लगातार मलबा जो है मुख्य मार्ग पर आ रहा था, क्योंकि रोडों की कटिंग हाल में ही हुई है। उसके बाद बरसात लगने की वजह से जो है लगातार मलबा जो है रोडों पर आता ही जा रहा है और पूरी तरीके से रोड जो है इस समय पर अवरुद्ध हो रखी, बंद हो रखी है। और गाड़ियों की बात करें, वाहनों की बात करें, जाम की बात करें, तो दोनों तरफ जो है करीबन 1-2 किलोमीटर का जो है लंबा जाम लगा। अधिकांश लोग जो है अब अपने गंतव्य को छोड़कर वापिस लौटने को मजबूर हो गए हैं। जी जी, अभी क्या कहा जा रहा है प्रशासन के जरिए, कितना और वक्त लग सकता है इसमें? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन द्वारा जो है जेसीबी मशीन लगा दी गई हैं, लेकिन क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर गिरा है, बोल्डर भी हैं साथ में, तो कम से कम अंदाजन जो बताया जा रहा है, कम से कम 4 से 5 घंटे का समय यहां पर बताया जा रहा है कि अभी मार्ग खुलने में लग सकते हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए।